ये जिन्होंने भी लिखा है इनका नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों पता चला कि आपको धमकियां मिलती रहती हैं। सार्वजनिक जीवन में घूमते फिरते आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे लगता है कि ये कोई ऐसे सज्जन है जिन्होंने कल मुझे पूरा नहीं सुना। अगर गुजरात में रहकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस भव्य विग्रह के नीचे बैठकर भी और पीठ पर बजरंग बली हनुमान के हाथ होने के बाद भी मैं डरूं, तो फिर राम भक्त छोड़ो मैं मनुष्य ही नहीं हूं। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पलभर में, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिस्ट। मैं नहीं कहता कि आप विदेशी विद्वानों को मत पढ़ो, पर मानस इसलिए पढ़ो कि राम से बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। जो चुनाव प्रबंधक बैठे हैं, जो वित्त प्रबंधक बैठे हैं, जो इक्विटी प्लेस करने वाले लोग बैठे हैं, जो शेयर मार्केट के लोग बैठे हैं, आप सोच कर देखो, एक ऐसा भाई जिसको खुद के बड़े भाई ने लात मार के बाहर भगाया, वो जीवन में पहली बार राम से मिलने आया। अब आप मजा लेना, देखिए कथा कैसे खुलेगी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिस्ट। पहली बार मिलने आए, राम ने पहली बार विभीषण को देखा, विभीषण ने पहली बार राम को देखा। पहले सुग्रीव आए, कहा कि रावण के छोटे भाई विभीषण मिलना चाहते हैं, तो वानरों के कुछ सेनापतियों ने कहा मत मिलिए, कोई पता नहीं क्या आदमी हो। लेकिन राम ने कहा नहीं, अतिथि है, अतिथि जैसा भी हो मैं मिलूंगा, बुलाइए अंदर। एक छोटा सा युद्ध शिविर बना हुआ है, तो फिर भी लकड़ी का है, ऐसे ही पत्थरों का, उसमें राम एक शिला पर बैठे हुए हैं। सोच के देखिए, एक तरफ हनुमान है, पीछे शेष अवतार लक्ष्मण खड़े हुए हैं, जामवंत, सब चारों तरफ लोग हैं। प्रवेश किया विभीषण ने, राम ने खड़े होकर अभिवादन किया और क्या कहा, आपका स्वागत है लंकेश। ये ऐसे है जैसे वार्ड का कार्यकर्ता दिल्ली में सबसे बड़े दो नेताओं से मिलने जाए और वो कहें आओ विधायक जी, तो वो समझ जाता कि हमारा तो पक्का, बड़े वाले ही कह रहे थे आओ विधायक जी। क्या अद्भुत है, आओ लंकेश। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, और बिठाया कहां, सामने कुर्सी नहीं थी, जिस शिला पर बैठे हुए थे उसी पर बिठाया। एक दो बार को तो विभीषण ने पीछे मुड़ के देखा होगा कि भैया तो नहीं आगे, लंकेश किसे बोल रहे हैं, लंकेश तो भाई साहब को बोला जाता है, मुझे क्यों बोल रहे हैं। यानी कि पहले दिन अपने समर्थन करने वाले आदमी में एक आशा का बीजारोपण राम ने किया कि चिंता मत कर, मैं हूं, मैं तुझे लंकेश बना दूंगा। अपने एम्प्लॉई में, अपने साथी में, अपने जीवन साथी में अगर आप अपना आत्मविश्वास निरूपित नहीं करते, तो आप असफल पति हैं, असफल व्यापारी हैं, असफल नेता हैं। अगर आपके नाम का आत्मविश्वास उसके चेहरे पर नहीं है कि कोई चिंता नहीं है, मेरा नेता देख लेगा, मेरा जीवन साथी देख लेगा, मेरा बॉस देख लेगा, तो आप खराब लोग हैं। राम से सीखिए। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, ये जो समरसता है, ये जो समाजवाद है, ये जो साम्यवाद है, जो आदमी परेशान हो उससे पहली बात क्या पूछोगे, ये पूछोगे और तुम्हारे यहां स्ट्रेटेजी कैसी है, किला किधर से टूट सकता है, रावण के पास क्या हथियार, नहीं, ये तो बात की बात है यार। लोग पूछते हैं चुनाव कैसे जीते, मत कैसे मिले, मत मत गिनो, मत मत मांगो, लोगों का मन मांगो, मत तो अपने आप ही मिल जाएगा, मन मिल गया तो मत भी मिल जाएगा। उस हृदय के रास्ते से ही स्वीकारता जाती है, चाहे व्यापार की हो चाहे प्यार की हो। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी, ऐसे वचन बोले जिनसे किसी भी भक्त का भय तिरोहित हो जाए। और क्या बोले, कहू लंकेश, हे लंकाधिपति, आज नहीं हो तो कल तो बनोगे ही, कहू लंकेश सहित परिवारा, आपकी फैमिली कुशल, कुठाहर बास तुम्हारा,
इन दिनों खराब जगह पे आपका परिवार रह रहा है, सब सही तो है, बिटिया सही है, पत्नी आपकी सही है, परिवार सही तो है। जिसका सेनापति अपने सैनिक से ये पूछने लगे कि और बिटिया सही है और बेटा सही है, वो व्यक्ति अपने सेनापति से पहले मोर्चे पर न्योछावर होता है। ये राम का स्ट्रेटेजिक अलाइंस। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आज विजय इसके पास है और कल विजय उसके पास है, लेकिन अंततः विजय उसी के पास होती है जिसके पास राम जैसी मर्यादा हो। और यह शंका हर आदमी को होती है। यहां तक कि युद्ध करते हुए विभीषण ने जब पहली बार रावण को रणक्षेत्र में उतरते हुए देखा तो रावण तो उतरा एयरफोर्स वन में बैठ के, मार मिसाइल विसाइल, रामचंद्र जी अपने वही एक वलकल, पैरों में चप्पल नहीं है ना। उस तक को शंका हो गई। विभीषण ने कहा कि आप तो बिना रथ के हो और रावण रथ में है। यह देखकर विभीषण क्या हो गए, अधीर हो गए और कहा भगवान आपके पैरों में तो पदत्राण चप्पल भी नहीं है, इससे जीतोगे कैसे। यह जो मैं बोलने जा रहा हूं, लाइफ में कभी डिप्रेशन हो, लाइफ में कभी परेशानी हो, आंख के आगे से चीजें चली जाएं, उपलब्धियां आते आते ना मिले, कोई हानि हो जाए, ये विभीषण गीता की 8 पंक्तियां आप लिख के रख लेना, इन्हें बार बार पढ़ना, जीवन में उल्लास से भर जाओगे। जब भी आपको दिखे कि सामने वाला शत्रु, सामने वाला प्रतिद्वंदी ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप ये विभीषण गीता की पंक्ति याद रखना। जब विभीषण ने कहा रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। कहता है नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। आप तो रथ पर भी नहीं बैठे और आपके पैरों में चप्पल भी नहीं। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवाना। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवाना। भगवान ने कहा तुझे दिख नहीं रहा मेरे पास रथ तो है, कैसे है। सुना हूँ सखा कहे कृपा निधाना, जे जय होई सो स्यंदन आना। सुना हूँ सखा कहे कृपा निधाना, जिससे जय होती है, जिस स्यंदन से जय होती है, जिस रथ से जय हो सकती है, वो तुझे मैं बताता हूं। भगवान ने कहा मेरा रथ तुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे रथ में 2 चक्के लगे हुए हैं। किसके? पहला चक्का है शौर्य का और दूसरा चक्का है धीरज का। शौर्य रखिए और धैर्य रखिए। और मेरे रथ के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, जैसे यहां ये अपने अपने राम इस भगवे में लहर रहा है। राम के रथ में झंडा है, क्या? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा लगी हुई है। घोड़े भी हैं, कितने घोड़े होने चाहिए अच्छे रथ में? 4। कौन कौन से? पहला घोड़ा बल, दूसरा घोड़ा विवेक बुद्धि। बल के साथ विवेक की बहुत आवश्यकता है। राम अकेले हैं जिनमें सब कुछ है, उसके बाद भी विवेक है। विश्वामित्र लेने गए तो दशरथ ने कहा मेरी सेना ले जाओ प्रभु, मैं चलता हूं। बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? जवान है, मसे भीगी है, 15 साल का है। 15 साल के गए थे, आज तो 25 साल के को पता नहीं होता करना क्या है। 15 वर्ष के राम को विवेक पता है। विश्वामित्र ने कहा राजन आपका बेटा मुझे इसलिए चाहिए कि लड़ाई बड़ी है, खरदूषण ताड़ का स्वभाव से है, और ये 4 चीजें हैं, इनमें से कोई एक आ जाए तो मनुष्य अविवेकी हो जाता है।
आपके बेटे के पास चारों हैं, उसके बाद भी संयमित है, विनम्र है, इसलिए मैं आप बच्चे को लेके जा रहा हूं। यौवनम, जवानी। दूसरा धन, पैसा आ जाए। तीसरा संपत्ति। और चौथा प्रभुत्व। ये चार में से एक मिल जाए तो मनुष्य पागल हो जाता है। हे राजा दशरथ, आपका बेटा अद्भुत है कि उसके पास चारों हैं और फिर भी वो विवेकशील है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा, आगे चलकर राम कहलाएगा। बल विवेक दम परहित। और दूसरा दमन। दमन कैसा? खराब इच्छाओं का दमन। जवान लड़को, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं। बल, विवेक और दम, यानी कि इच्छा पर अंकुश। और फिर क्या? परहित, दूसरे का हित। ये भारत है। और इन चारों घोड़ों के ऊपर एक रस्सी भी है, लगाम भी है। लगाम क्या है? क्षमा, माफ कर देना। कृपा, दूसरे पर कृपा करना। तीसरा समता, एक जैसे दिखें। ये रज्जू हैं जो इनको जोड़े हुए हैं। विभीषण से भगवान कहते हैं कि एक चीज और है, सारथी भी है मेरे रथ पर जो तुझे दिख नहीं रहा। वो कौन है? ईश भजन, भगवान का भजन। तो जिन भी सज्जन ने मुझसे सवाल पूछा था, मुझे लगता है कि उन्हें इसका उत्तर मिल गया होगा।